भाई दोस्तों राम राम। कहते ना ज़िंदगी में हर किसी की कोई ना कोई लम्हा बड़ा ख़ास होता है, और अब की बार का जो लम्हा है ना मेरे लिए भी बहुत ख़ास है। कारण है कि घर में तो नहीं है, दूरी सही, लेकिन एटलीस्ट घर परिवार के जो ना पन्नू बन्नू मम्मू सबको देख के दिल बड़ा खुश हो रहा है भाई। उन लोगों ने फ़ोटोज़ भेजे थे, आज करवा चौथ का दिन है, घर के पास नहीं लेकिन दिल के पास तो हैं। कहते ना लोग वो भी होते हैं जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत में रहते हैं, लेकिन दिलों में नज़दीकियाँ नहीं होती। भाई हम घर से दूर हैं लेकिन दिलों की नज़दीकियाँ इतनी हैं कि आज महसूस नहीं होता कि हम घर से दूर हैं। भाई फ़ोटो देख के हम वापस वहीं मेरठ पहुँच गए, लेकिन दोस्तों ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता प्यार का है। प्यार से शुरू होकर प्यार पर ही ख़त्म हो जाता है। मैं और पन्नू आज से 22 साल पहले मिले थे, और आज लगता नहीं कि हमारा रिश्ता इतना मधुरता के साथ चलता हुआ आया कि ज़िंदगी में कोई कमी नहीं महसूस हुई। और आज मैं मम्मी की कहते ना मम्मी की इस ठोक पीट के लाई हुई पन्नू का बहुत तारीफ़ करता हूँ, और पन्नू को भी मम्मी सही लाई भैया। और आज इन लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से करवा चौथ मनाया और फ़ोटो डाली, मेरा दिल बड़ा खुश है। इन तीनों को देख के भाई मैं यही दुआ करता हूँ कि भगवान तीनों के सुहाग भाग सब बनाए रखे। खैर भाई दोस्तों, ये तो मेरा परिवार है और कोई अपने परिवार का भला या बुरा नहीं चाहेगा, बुरा नहीं चाहेगा, भला ही चाहेगा। और आप बस कमेंट कीजिएगा कि आपके घर परिवार के अंदर बहुएँ माँ के साथ कैसे व्यवहार करती हैं। आई होप अच्छा ही करती होंगी, मेरे घर में तो भाई बहुत अच्छा करती हैं। और कहते हैं ना बहुओं का माँ के बिना, ना माँ का बहुओं के बिना दिल नहीं लगता। खैर कोशिश तो रही है कि अपने अल्फाज इन फ़ोटो के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ। अगर मेरे अल्फाज और मेरे घर परिवार की खुशी अच्छी लगी हो तो भैया कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी यही दुआ है कि भगवान आप सभी के परिवार में भी वो खुशियाँ लाए जो खुशियाँ मेरे परिवार में हैं। आप सभी की दीर्घायु दे, घर परिवार को खुश रखे, बहुओं को खुश रखे, बेटियों को खुश रखे, माताओं को खुश रखे, सभी को खुश रखे। देखिए खुशी पैसे से नहीं, खुशी किससे आती है, खुशी अपनों से आती है। मैं अपनों के साथ खुश हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप भी अपनों के साथ सदैव खुश रहेंगे। भाई किसी को प्यार करो ना करो, लेकिन माँ को ज़रूर करो, बीवी को करो, बच्चों को करो, क्योंकि ये रिश्ते प्यार से चलते हैं। पैसे से चलते तो सारे लोग पैसे वाले खुश होते हैं, लेकिन प्यार के रिश्ते प्यार से ही चलते हैं। तो दोस्तों प्यार को बना के रखो, पैसा तो आता जाता रहेगा लेकिन प्यार जो है ना, प्यार ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी सदैव आपकी ज़िंदगी में मधुरता घोलता रहेगा। आप चले जाओगे लेकिन जाने के बाद आपकी यादें रह जाएंगी। खैर अपना ध्यान रखो, विश यू वेरी हैप्पी डे।